धनबाद में होगा ऐतिहासिक मिल्ली कन्वेंशन इदारे शरिया, भाग लेंगे शिक्षाविद और विद्वान। आगामी शनिवार 26 फरवरी टाउन हॉल धनबाद में सुबह 10 बजे से इदारे शरिया झारखंड के तत्वाधान में मिल्ली कन्वेंशन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों के लिए विभिन्न प्रकार की सब कमेटियों का गठन किया गया है। इस संबंध में गफ्फार कॉलोनी सिल्वर डब स्कूल स्थित शहीद कमर के आवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां सैयद नूरुल एन बरकाती ने बताया, राज्य का मुस्लिम समाज आज पिछड़ा हुआ है, जिसके लिए शैक्षणिक धार्मिक सामाजिक जागरूकता की जरूरत है। अर्थात नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए पिछड़े आपसी मतभेद को दूर कर उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना एवं बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित करना जरूरी है। 26 तारीख को मिली कॉन्फ्रेंसन जो हो रहा है, इसमें इदारे शरिया हमारे नूरेन मास्टर साहब प्रेसिडेंट हैं झारखंड के, और प्रवक्ता इम्तियाज भाई जिमा मुझे दिए हैं कि इसको रोशनी दीजिए और घरे घरों में जा कर के प्रचार कीजिए। 26 तारीख को ये प्रोग्राम को सक्सेस करें और मीडिया के माध्यम से आप सब जगह प्रचार कीजिए। तो ये मुझे मिला है खास करके, इसीलिए सभी भाइयों से मैं इल्तिजा करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि 26 तारीख को टाउन हॉल में आप लोग सभी लोग जितने भाइयों लोग हैं आएँ और ये प्रोग्राम को सक्सेस करें। आइयो हम क्या कार्यक्रम जी, ये मिल्ली कन्वेंशन पूरे झारखंड राज्य में ये हो रहा है और इसकी ज़रूरत इसलिए आन पड़ी है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है कि मुसलमान कबालियों और दलितों से भी बस से बदतर हालात में है। तो ऐसी सूरत में हम अपने मुआशरे के, हम अपने लोगों को कैसे आगे लेकर आएँ, तो इसके लिए हम लोगों ने सभी एकजुट होकर के एक प्लान के तहत जो है कि हमें एजुकेशन में जाना होगा, क्योंकि हमारे मुआशरे में एजुकेशन की बहुत गिरावट आई है। पहले 4% भी थे, लेकिन मौजूदा हालात में 2.25% है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक यूनिवर्सिटी जो धनबाद में बनाने की बात आई है। हम लोगों का डिमांड तो दो है झारखंड के में, दो है, एक शेख भिखारी के नाम से और कादरी यूनिवर्सिटी के नाम से। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कलम हाथ में होगा, तो इंशाअल्लाह रहमान हमारे कौम, हमारे बच्चे बहुत डेवलप करेंगे। और इसमें हमारे जितने भी दबे कुचले जो भी लोग हैं, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, ये सब हमारे मुआशरे के लोग हैं, इन सबों के लिए हम लोग शिक्षा पर काम करने के लिए जा रहे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद नज़मी, कन्वेनर इदारे शरिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य? मिल्ली कन्वेंशन उद्देश्य है, लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि तालीम के मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। अभी आपने सचर कमेटी की रिपोर्ट देखी होगी, उसमें पहले हमारी शरह 4% थी, लेकिन 2021 का जो रिपोर्ट आया है सर्वे, उसमें हमारी शरह 2.25% हो गई है। तो इसलिए एक बेचैनी है और लोगों में ये उम्मीद है कि इस हुकूमत में शायद हम एक अकलियती यूनिवर्सिटी कायम कर सकें और हमारे जो हकूक़ हैं हम उसकी बाजियाबी कर सकें। हमारा एजेंडा है कि सिविल सर्विसेज में भी अकलियत को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो मिलनी ही चाहिए। और चौथा है कि पूरे झारखंड में तकरीबन 400 मदरसे ऐसे हैं जिनकी इमारत स्कूलों और कॉलेजों से अच्छी है, उनको भी सब मिलना चाहिए। और मदरसों से फारिग बच्चे जो हैं उनको सरकारी नौकरी में जाने के लिए बिहार में पड़ोसी रियासत में रास्ते बना दिए गए हैं, क्या ये काम झारखंड में नहीं होना चाहिए? ये झारखंड में भी होना चाहिए। पुलिस व सिविल सर्विसेज बहाली तैयारी के लिए रियासत बिहार में सरकारी खर्च और नज़्म के साथ एहतमाम हो रहा है, इसका नतीजा बहुत अच्छा निकल रहा है। इन साल 108 बच्चे उसमें निकले हैं। 7 पावर लूम और हैंडलूम जो घरेलू माशियत उद्योग की हैसियत रखता है, उसके लिए बेरोज़गार मुस्लिम अकलियतों को आसान शराइत के साथ सब्सिडी देकर उद्योग बहाल होना चाहिए। लेकर कब प्रोग्राम रखे हैं जी? 26 तारीख 26 फरवरी टाउन हॉल। मुख्य अतिथि होंगे गुलाम रसूल बलियावी साहब और आसिफ इकबाल साहब। गुलाम रसूल बलियावी साहब आएंगे पटना से और आसिफ इकबाल साहब आएंगे गिरिडीह से,
और मौलाना कुतुबुद्दीन रजवी होंगे जो रांची से आएंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं विद्वान आएंगे जो इस पर रोशनी डालेंगे कि हम अपना काम को कैसे कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी कैसे तैयार कर सकते हैं, इस पर रोशनी डालेंगे। मैं मोहम्मद नूरुल ऐन, सदर इदारे शरिया झारखंड।